हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बसंती मुखर्जी के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है संडे, और संडे को नॉर्मली मेरा लेट ही होता है, क्योंकि लेट से ही उठते हैं नींद से और धीरे धीरे काम करते हैं। हस्बैंड का भी छुट्टी रहता है तो वो भी लेट से उठते हैं, फिर बातचीत भी ज़्यादा होता है, तो जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आज भी लेट हो गया, लगभग अभी 11 बज रहा होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, तो चलिए आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किचन में हम आज क्या बनाने वाले हैं। तो नॉर्मली बनेगा तो बहुत कुछ ही। आज मटन बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे और पनीर की सब्जी। और खास तौर पर आज हम आप लोगों को दिखाएंगे पनीर की सब्जी, जो कि सिंपल एकदम प्रोसेस में कैसे बनाते हैं और जो कि हेल्दी भी है। तो चलिए किचन में सब एक साथ चलते हैं और सब मिलके बनाते हैं पनीर की सब्जी। अभी देख सकते हैं आप लोग कि कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में डाल दिए हैं तेल, क्योंकि हम लोग अभी भूनने वाले हैं पनीर को। तो आप लोगों को दिखा देते हैं, पनीर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। ये देखिए, इस साइज में काटे हैं और कुछ नहीं किए हैं, इसलिए काटना आप लोगों को दिखाए नहीं। आप लोग ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लीजिएगा। अभी क्या करेंगे, इसको हम भूजेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है अच्छी तरह से, और तेल में इसको अभी डाल देंगे। पनीर को अभी हम लोग भूनने देते हैं, और तब तक हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कढ़ाई बैठा के इसका मसाला जो है उसको हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, तो फिर दूसरा कढ़ाई एक ले लेते हैं, गैस को जला लेते हैं। तो देखिए, इधर कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुका है। इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे, बहुत ही कम, थोड़ा सा घी डालेंगे। देखिए, एक चम्मच के करीब, बस इतना सा ही घी डालेंगे इसमें। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसमें जो है ये गरम मसाला जो है गोटा, उसको डाल देंगे। तो गरम मसाला में हम लिए हैं ये 2 ठो इलायची, इसको दे दिए हैं। एक दालचीनी लिए हैं ये साइज का, उसको दे देंगे। और लौंग लिए हैं 2-4, उसको भी इसमें डाल देंगे। सब भूंज लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा छोटा प्याज है, तो हम 5 प्याज लिए हैं। इस प्याज को भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक पूरा एक कली लहसुन जो है, छोटा सा था, छोटा लहसुन था, उसको भी हम छुड़ा लिए हैं। इसको भी क्या करेंगे, इसमें दे देंगे। आग को कम रखेंगे। यहाँ पे हम पूरा एक कैप्सिकम को छोटे छोटे टुकड़ों में रखे हैं काट के, तो इसको भी हम लोग क्या करें, और साथ में देंगे एक बड़ा साइज का टमाटर। कैप्सिकम और टमाटर जो है वो एक साथ दे दिए। तो एक कैप्सिकम मीडियम साइज का था और टमाटर। अभी इसको हम लोग धीमी आंच पे चलाते रहेंगे, थोड़ा सा भूजेंगे इसको। आंच मेरा लेकिन कम है, अभी आंच कम करके अभी इसको चला रहे हैं। और पनीर मेरा अभी भी भूंज रहा है, देखिए धीमी आंच पे इसको हल्का हल्का चला देते हैं, नहीं तो चिपक जाता है नीचे। तो ये अभी भी भूंज रहा है।
तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग भूज रहे थे ये भूजना हो चुका है ये। अब क्या करेंगे हम लोग कि गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए देखेंगे। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको मिक्सी में पीसेंगे। तो तब तक के लिए वेट करते हैं। इसमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा जो है उसको भी इसमें डाल देते हैं। और एक लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च दे देते हैं। ये लाल मिर्च बहुत ही ज्यादा तीखा है इसलिए एक ही डाल रहे हैं इसमें। पनीर भुजिया है, इसको उठा के रख लेते हैं। सबके सबाई की तुम्हारे बोला जाए ना की हो वही जो बोलछो की बोलछ बंदूर छेले। हां तो वो तो हम लोग अपने तो कोलकाता से नहीं बोलछ। हो चुका है तो इसको अभी क्या करेंगे कि मिक्सी में पीसेंगे। अभी इसमें डाल देंगे घी, चम्मच घी इसमें डाल दिए। अभी घी देखिए गरम हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसमें जो मसाला हम लोग पीस के रखे थे उसको डाल देंगे। मसाला को अच्छी तरह से भूजेंगे और भूजते भूजते ही अभी इसमें हम लोग डाल देंगे हल्दी।
इसमें डालेंगे ये एक चम्मच के करीब ये धनिया और जीरा का पाउडर है, बस एक चम्मच ही और नहीं डालेंगे। इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और अभी इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। अब अच्छी तरह से मसालों को हम लोग भूज लेंगे। ज़्यादा भूजने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग तो पहले ही इसको भूज के उसके बाद इसको तो हम मिक्सी में पीसे हैं, इसीलिए तो ज़्यादा भूजने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी तेल निकलने तक इसको थोड़ा सा भूजेंगे ताकि कच्चापन इसमें ना रह जाए। तो अभी ये देखिए मसाला जो है अच्छी तरीके से भून चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पनीर को भून के रखे थे उसको अभी इसमें डाल देंगे। और अभी मसाला को अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और अभी थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे, ठीक है, और आंच को जो है वो कम कर देंगे। अब धनिया पत्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं जब तक हम लोगों का पनीर बन रहा है तब तक। तो चलिए लगभग 2 मिनट हो चुका है, इसको हम लोग ढक के रखे हैं, अब इसको खोलते हैं। तो ये देखिए पनीर जो है अच्छी तरीके से भून चुका है मसाले के साथ, अच्छी तरीके से ये भून चुका है। और अभी क्या करेंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे पानी। अभी इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद इसको करीब 2 मिनट रखेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा, तब तक वेट करते हैं। तो करीब 2 मिनट से ज्यादा हो चुका है, तो अभी हम लोग इसका ढक्कन खोलेंगे और देखेंगे कि पनीर किस स्टेज में है। पनीर जो है वो हो चुका है और इसका कलर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ग्रीन कलर क्यों आया, क्योंकि कैप्सिकम जो था उसकी वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन आया है, ठीक है। और तो अभी ये हो चुका है, अभी गैस को कर देते हैं ऑफ और इसको अभी हम लोग उतार लेंगे। चलो अब जो धनिया पत्ता काट के रखे थे उसको हम लोग ऊपर से दे देंगे। तो आज का सिंपल पनीर की सब्जी हम लोगों का डन है। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
इस तरह से सिंपल तरीके से बना के दिखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के में। ये पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठा के साथ भी खा सकते हैं। तो ये पनीर जो हमारा है वो डन हो चुका है। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को आज का पनीर की सब्जी अच्छा लगा होगा। तो ख़त्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। टाटा बाय बाय।